हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका आईडीबीआई बैंक प्रमोशन एग्जाम के ऊपर हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर यानी ग्रेड ए से ग्रेड बी मैनेजर के ऊपर, इसकी प्रमोशन एग्जाम के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है जिसके हिसाब से हमारी तैयारी हो सके। तो सबसे पहला चीज समझना है, जब भी आप तैयारी करने आते हैं तो आपको एक चीज जानना है, सिलेबस। सिलेबस क्या होगा बैंक का, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं मालूम है तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, आपको पास करना भी मुश्किल हो जाएगा अगर सिलेबस नहीं मालूम हो तो। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। और नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत करिए, समय से तैयारी करिए ताकि आराम से तैयारी हो सके। क्योंकि क्या होता है, एक भी नोटिफिकेशन आ जाती है तो आदमी के पास समय बहुत कम मिलता है तैयारी करने के लिए। दोनों तरीका है बट सबसे बेस्ट है कि समय रहते हुए तैयारी करिए अगर आपको प्रमोशन चाहिए ए से बी जाने में। ठीक है, फाइट है, काफी टफ फाइट है। यहां मैं बोलूंगा ये जो आपका कंपटीशन है काफी टफ है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो एक पिरामिड में आप बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे ए वाला है, ऊपर बी वाला है और इसके ऊपर सी वाला है, यहाँ आप देखेंगे इतने लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, है ना। इन लोगों को सिलेक्शन नहीं मिल रहा, इन लोगों को रिजेक्शन मिल रहा है। तो ये समझ के चलना, आप उसी हिसाब से तैयारी करिए अपना। और सबसे बड़ा चीज है सिलेबस। एक चीज और ध्यान रखिए, लोग क्या होता है जनरल प्रिपरेशन करने लगते हैं, नहीं बोलते जिसको जनरल प्रिपरेशन। तो कभी भी आप जनरल प्रिपेयर मत करो, कुछ नहीं मिलेगा इससे। ठीक है, ये यूजलेस होता है, बिल्कुल यूजलेस होता है जनरल प्रिपरेशन। आपको तैयारी करना है बैंक स्पेसिफिक, हमेशा देखना है बैंक स्पेसिफिक। यानी अगर आप आईडीबीआई बैंक में है तो आईडीबीआई बैंक की सिलेबस अलग होगी बाकी बैंकों से। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिलेबस बैंक स्पेसिफिक, यानी हर बैंक का, एवरी बैंक का डिफरेंट सिलेबस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि भाई सभी बैंकों का एक जैसा सिलेबस होता है। कभी भी सभी बैंकों का एक जैसा सिलेबस नहीं होता है, हर बैंकों का अपना अपना सिलेबस दिया हुआ है, दूसरे आईडिया बैंक का अपना सिलेबस है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये सारी चीज दिमाग के अंदर रखिएगा और तैयारी करिएगा। अब रहेगी बात सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको सिलेबस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब हम आते हैं कि कैसे हम तैयारी करेंगे जिससे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत इजी वे से आपका तैयारी हो जाएगा। सबसे पहला चीज ये समझना है कि हमें अब तैयारी करना है तो हमें अब क्या करना होगा। हमें जो हम लोग आपको प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं प्योरली फॉर आईडीबीआई बैंक का है। ठीक है, तो हमारा जो रहेगा आपका आईडीबीआई बैंक प्रमोशन कोर्स, तो सबसे पहला हो जाएगा आईडीबीआई बैंक का प्रमोशन वीडियो लेक्चर कोर्सेज, या ऐसा आप लिख सकते हैं प्रमोशन वीडियो लेक्चर कोर्स। दूसरा हो जाएगा, बहुत जरूरी है आप जाने, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। ठीक है, बहुत जरूरी है इसको पढ़ना, वीडियो भी है और पीडीएफ भी है। ओके, बहुत जरूरी इसको देखिए, क्योंकि क्या कई तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आपको मालूम नहीं होंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरा हो जाएगा सर्कुलर्स। देखिए सर्कुलर्स के तो बिल्कुल आपको नोट्स प्लस वीडियोस, नोट्स नहीं रहेंगे इसके, वीडियोस रहते हैं, सॉरी इसके सर्कुलर्स के पूरे वीडियोस रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्लस इंटरनल डेटा रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजों की वीडियोस बनाए भी रहेंगी आपको। चौथा हो जाएगा नोट्स, पीडीएफ के फॉर्मेट में होता है और उसके बाद हो जाएगा 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक, ये भी पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा।
सॉरी, और यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट होगा, आपको तैयारी करने के लिए, जो काफी है आपके लिए। ठीक है, तो ये सारा चीज हो जाएगा। अब इसकी हम जो प्राइस वो जो होगा, दाम है 2,000 रुपये, जो कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। फिर है आपका, सॉरी, 3,000 रुपये का, जिसमें कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होती है। ठीक है, ये दोनों तरह के कोर्स है, जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। 2,000 के लेना 2,000 के लिए, 3,000 के लिए 3,000 के लिए। कोर्स कंटेंट सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ वैलिडिटी का अंतर होता है। ठीक है, और सारी कोर्सेज जो होंगी आपको ऑनलाइन मोड पे है, तो आपको यहाँ पे एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप कोर्स कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारी कोर्सेज को आपको पोर्टल के थ्रू आपको एक्सेस करना है। पोर्टल मतलब हो गया यहाँ वेबसाइट, ठीक है ना? तो ये सारी चीज आपको वहीं जाके एक्सेस करना है, ठीक है? और आप वहां से आराम से एक्सेस कर पाएंगे। और जो वीडियोस हैं ये पहले से रिकॉर्डेड होते हैं, यानी प्री रिकॉर्डेड है, तो जब मर्जी है तब आप देख सकते हैं, एनी टाइम एंड एनी वेयर आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये चिंता नहीं है कि हमको कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, जब मर्जी है तब पढ़े। हाँ, पहले से वीडियो से रिकॉर्ड करके दिया है। ठीक है, कोई लाइव क्लासेस इसलिए नहीं चलाते क्योंकि लाइव में कोई फायदा नहीं है, आप आएंगे नहीं उस टाइम, को बेकार है वो। तो वीडियो पहले से रिकॉर्ड है, जब मर्जी तब आप पढ़िए। अच्छा, एक चीज और है कि कोर्स जो है वो अपडेटेड है एज पर सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, जैसा सिलेबस है उसके हिसाब से अपडेट किया हुआ है सिलेबस, ठीक है ना? यह बात आप समझ के रखिएगा। ठीक है, ये होगी सारी बातें। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा चीज जो आपको लगता है जो नहीं जान पाए तो फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4×9=6,85,127। ठीक है, आप वेबसाइट पे भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.JAIIBCAIIB study material.com। ठीक है, और ईमेल आईडी हो जाएगा SIDDSINHA123@gmail.com। सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।